वेलकम गाइस तो आ, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के बारे में तो आज मैं उसका एक टाइप डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ आवर पिक कम फिश कल्चर तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिक कम फिश कल्चर तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ऐसा कल्चर जिसमें हम फिश के साथ साथ पिक की भी कल्चरिंग करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं पिग हजबेंड्री के बारे में तो एग्जॉटिक स्पीसीज सच एज वाइटिर बर्क योरसेर और हेम्प से लैंडरेस तो इस तरह के पिग स्पीसी को हम स्टॉकिंग के लिए रखते हैं इस तरह के कल्चर में बिल्ड स्पेस वन टू वन पॉइंट फाइव स्क्वायर मीटर पर पिग द फ्लोर शुड बी सिमेंटेड विथ ड्रेनेज टूवर्स द पॉन्ड टूवर्ड्स थर्टी टू फोर्टी पिग शुड भी रेज पर हेक्टेयर ऑफ पॉन्ड एरिया तो इस तरह की फार्मिंग में हमारा क्या होता है कि वन पॉइं वन टू वन पॉइंट फाइव स्क्वायर मीटर पर पिग के का एरिया लिया जाता है ठीक है और इस तरह के पिग जो पिग हाउसेस कंस्ट्रक्ट की जाती है पौंड इंग में वो सीमेंटेड होती है ठीक है और उसका जो ड्रेनेज है वो टुवर्ड्स द पौड होता है और अबाउट थर्टी टू फोर्टी पिक्स को हम वहाँ पर रख सकते हैं ठीक है तो ये हमारा पिक का शेल्टर हुआ ठीक है और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डायरेक्टली इनटू द पॉन्ड है जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि जो पिक का मैन्योर है वो सारा हमारा पॉन्ड में रिलीज किया जा रहा है ताकि हमारा पॉन्ड क्या हो न्यूट्रेन रिच हो ठीक है और फिशेज उस पर फीड कर पाए द यूरिन एंड डंग आर फर्स्ट अलाउड टू ऑक्सीडेशन टैंक डाइजेशन चैम्बर और बायोगैस प्लांट प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फॉर हाउस होल्ड यूज तो इसमें हमारा मिथेन प्रोडक्शन भी होता है जिसको हम हाउस होल्ड यूज के लिए यूज कर सकते हैं तो क्या होता है उनका जो यूरिन और डंग होता है वो फर्स्ट ऑक्सीडेशन टैंक में ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है डाइजेशन जि चैम्बर जिसको हम कहते हैं और उससे वो क्या बनाता है बायोगैस बनाता है ठीक है प्लांट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन मीथेन का प्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग हाउस होल्ड में यूज करते हैं तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं द लिक्विड मेन्यूर स्लरी तो जो लिक्विड मैन्योर होता है पिग का ठीक है जो लिक्विड मैन्योर होता है उसको हम क्या कहते हैं स्लरी कहते हैं इज दैन डाइजे डिस्चार्ज इन द पॉन्ड सिस्टम विच एक्ट एज अक्सेलेंट फर्टिलाइज़र रेज द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉन्ड तो जो हमारा ये ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा स्लरी वेस्ट बचता है पिग का उसको क्या कर दिया जाता है पॉन्ड में डिस्चार्ज कर दिया जाता है जो कि एक एक्सेलेंट फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है पॉन्ड में और बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉन्ड को इन्हांस करता है उसका सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर्म करता है नेक्स्ट है हमारा फीडिंग वन पॉइंट फाइव के जी पर पिग पर डे तो 1.5 पॉइंट के जी की फीडिंग दी जाती है पर पिक को पर डे ठीक है स्लॉटेड मैच्योरिटी अटेंस आफ्टर फाइव टू तो सिक्स मंथ साइज 60 टू तो 70 के जी तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसे एरियाज है या ऐसी कंट्रीज हमारी भी कंट्रीज उसमें से एक है जहाँ पे पिक को क्या किया जाता है खाया जाता है ठीक है तो फाइव टू सिक्स मंथ का मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए एक पिक को कट करने के लिए ठीक है और उसमें सेव सिक्सटी टू सेवेंटी के जी का साइज होना चाहिए उसका एप्लीकेशन ऑफ पिग डंग डिफर्स ऑन अ डे वैन अलगल ब्लूम ऑकर्स तो पिग डंग का डिपेंड uh, करता है पिग डंग के कंटेंट में कि कितना उसमें न्यूट्रिएंट है उस पर ही अलगल ब्लूम uh, अगर दिख रहा है तो यानी ज़्यादा न्यूट्रिएंट है सॉइल में पॉर्न में और अलगल ब्लूम अगर नहीं दिख रहा है तो यानी न्यूट्रिएंट मेंटेन है ठीक है पॉपुलेशन थर्टी टू फोर्टी नंबर ऑफ पिग आइडियल फॉर फर्टाइल वन हेक्टेयर पोंड तो थर्टी टू फोर्टी नंबर्स ऑफ पिग हमें चाहिए uh, एक पॉन्ड को वन हेक्टेयर ऑफ पॉन्ड को फर्टिलाइज करने के लिए ठीक है नेक्स्ट हमारा फिश स्टॉकिंग डेंसिटी फिश की स्टॉकिंग डेंसिटी हमारी क्या होनी चाहिए तो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर एकटेयर तो एक हेक्टेयर के अंदर हमारे सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिक्स फिश स्टॉकिंग डेंसिटी होनी चाहिए ठीक है फिश कल्चर कैन बी डन इन पॉलीकल्चर मोनोकल्चर मेथड तो पॉलीकल्चर किसको कहते हैं और मोनोकल्चर किसे कहते हैं पॉलीकल्चर जिसमें हम क्या करते हैं एक से ज़्यादा तरह की कल्चर को परफॉर्म करते हैं दैट इज़ आवर पॉली Culture, और कल्चर और मोनोकल्चर जहाँ पे हम सिंगल टाइप ऑफ कल्चर को परफॉर्म करते हैं लाइक like, मोनोकल्चर में अगर हम पैडी ग्रो कर रहे हैं तो सिर्फ पैडी कर रहे हैं फिश कर रहे तो सिर्फ फिश की कल्चर ही हो रही है पॉलीकल्चर में हम पैडी को भी ग्रो कर रहे हैं और uh, uh, क्या uh, उसके बाद फिर हम uh, फिशेस को भी ग्रो कर रहे हैं और लाइक like, पैडी uh, डक को ग्रो कर रहे हैं फ़िश को ग्रो कर रहे हैं सम वेजिटेबल्स को भी ग्रो कर रहे हैं तो दिस टाइप ऑफ कल्चर इज आवर पॉलीकल्चर इन दिस सिस्टम फिश कल्चर ऑपटेन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड के जी पर हेक्टेयर रियलाइज्ड तो क्या होता है कि इस तरह की फिश प्रोडक्शन हमारे कितनी होती है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड के जी पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन होती है इस तरह के सिस्टम में तो ये हमारा डायगनमेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप देख रहे होंगे कि पिक्स जो है उनका ये एक केज टाइप का या फिर आप बोल सकते हो सेल्टर बनाया जाता है पॉन्ट के इम्बैकमेंट में इसको ही इम्बैकमेंट कहते हैं और ये नीचे से क्या होता है बैम्बू का बना हुआ होता है जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे और ये क्या होता है आपकी इनकी जो जितनी भी मैन्योर होती है वो सारी डायरेक्टली पॉन्ड में रिलीज हो जाती है जो कि हम वो फिश क्या करती है उसको यूटिलाइज कर लेती है और पॉन्ड का सराउंडिंग uh, मेंटेन करने में भी वो हेल्प करता है और वाटर की डेप्थ हमारी सिक्सटी टू हंड्रेड सेंटीमीटर की होनी चाहिए और एक आउटलेट भी हमारा होता है जो कि एक्सेस वाटर को बाहर कर देता है ठीक है अब इसकी बेनिफिट्स क्या है तो पिक डंक इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल पिग डंक इज एन एक्सीलेंट मैन्योर फॉर फिश पॉन्ड तो हमें पता है कि फिश का जो पिग का जो डंग होता है वो एक्सीलेंट मैन्योर की तरह वर्क करता है पॉन्ड सिस्टम के लिए इंक्रीज बायोलॉजिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज फिश प्रोडक्शन तो वो वहाँ की बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट अच्छे से मेन्टेन रहेगी तो फिश का प्रोडक्शन भी क्या होगा हाई रहेगा शम फिश डायरेक्टली फीड ऑन एक्सक्रीट विच कंटेन सेवेंटी परसेंट ऑफ डाइजेस्टिबल फूड और फॉर फिशेज तो कुछ ऐसी फिशेज भी है जो डायरेक्ट स्क्रीन पे फीड कर जाती है जिसमें सेवेंटी परसेंट ऑफ डाइजेस्टिबल फूड होता है ठीक है इट्स रिपोर्टेड दैट वाइल्ड फीड पासिंग थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पिग इट्स मिक्सड विद अ सर्टेन इंजाइम विच कंटिन्यूज टू एक्ट इवन अ डेफिकेशन तो ऐसा पाया गया है कि जो फिश पिग्स जो होती है वो जब फूड जब उनके एलिमेंट्री कैनाल से पास होता है तो उसमें एक इंजाइम मिक्सअप हो जाता है आफ्टर देयर डेफिकेशन ठीक है देखिए एक और रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये हमारा पिग फार्म है ठीक है और इसका जितना भी मैन्योर है वो सारा पॉन्ड में रिलीज हो रहा है यहाँ पे भी अलग तरह की वेजिटेशन हो रही है ये हमारा पॉलीकल्चर का एग्जाम्पल है ठीक है पॉलीकल्चर पॉलीकल्चर हो रहा है जैसे यहाँ पे वेजिटेशन भी हो रही है यहाँ पे पिग की फार्मिंग भी हो रही है यहाँ पे फिश की फार्मिंग भी हो रही है ठीक है तो मल्टीपल टाइप ऑफ फार्मिंग या कल्टीवेशन आपको देखने को मिल रहा है इट योर पॉलीकल्चर सिस्टम अनडेस्टेड सॉइल प्रेजेंस इन डग विच इज फीड बाई तिलापिया ठीक है या फिर कॉमन कार्प और अदर स्पीसीज तो क्या होता है हमारा कि जो अनडाइजेस्टिबल सॉलिड प्रेजेंस इन न डंक जो डंक में अनडाइजेस्टिबल सॉलिड जो प्रेजेंट होता है ठीक है जैसे कि आ, हमारा मेटल्स वगैरह हो गया वो क्या करती है हमारी फिशेज उसको खा लेती है कौन सी फिशेज तिलापिया या फिर कॉमन कार्प वगैरह या फिर कुछ अदर स्पीसीज भी जो उन पर फीड करती है नो सप्लीमेंट्री फीडिंग फॉर फिश रिक्वायर तो फिश के लिए अलग से हमको कोई भी सप्लीमेंट देने की इसमें ज़रूरत नहीं है जो हमारा पिग मेन्योअर है उसी से हमारा काम चल जा रहा है पॉन्ड डिक्कीज़ प्रोवाइड अ पिक स्टे तो पॉन्ड की जो डिक्कीज होती है वहाँ पे मैं आपको पता है पिक कहाँ रहती है मर्ड में रहती है तो जो पॉन्ड की डिक्की होती है वहाँ पे पिग रहते हैं उनके स्टे के लिए वो अच्छी होती है पॉन्ड वाटर कैन यूज फॉर क्लीनिंग द पिग हाउस फॉर बाथिंग द पिक्स तो जो पॉन्ड का वाटर है वो हम पिक को क्लीन करने में या फिर प्लिक पिक का हाउस क्लीन करने में या पिक को बाथ करने में भी है यूज़ कर सकते हैं अब है हमारा दिस टाइप ऑफ कल्चर कैन इंटीग्रेटेड विथ चिक फिश फार्मिंग विथ टू टायर सिस्टम मैनेजमेंट तो इस तरह की फार्मिंग को हम चिक फिश फार्मिंग के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं विथ टू टायर सिस्टम मैनेजमेंट डिफरेंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द फिश पॉन्ड एंड मैन रिक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन बी बिल्ट तो डिपेंड करता है कि फिश का फिश पॉन्ड का साइज़ क्या है एंड मैन्योर रिक्वायरमेंट कितना है इस इस तरह के सिस्टम के लिए ठीक है तभी हम ये चिक फिश फार्मिंग परफॉर्म वहाँ पे कर सकते हैं द ड्राई डिकी डाइक एरिया कैन बी यूज फॉर हॉर्टिकल्चर पर्पज़ तो जो uh, सूखा एरिया होता है वहाँ पे हम हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर यानी फ्लावर फ्रूट की कल्चरिंग जो होती है वो हम कर सकते हैं वहाँ पर तो ये हमारा सिस्टम है जिसमें हम देखिए यहाँ पर ये हॉर्टिकल्चर को शो कर रहा है ठीक है फ्रूट या वेजिटेबल्स या फ्लावर्स की कल्चरिंग और यहाँ फिश की कल्चरिंग हो रही है यहाँ पिग की और यहाँ पर बर्ड की ठीक है चिक की तो इस तरह के कल्चर को हम चिक चिक कम क्या बोलते हैं चिक फिश फार्मिंग भी कह सकते हैं ठीक है ठीक है, है गाइस आज का वीडियो हमारा यही एंड होता है होप्स so, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू